plants around us. Now, in this lecture, we will start our new chapter, chapter 4, animals around us. Okay, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह के एनिमल्स होते हैं. स्मॉल एनिमल्स होते हैं, बिग एनिमल्स होते हैं, फैट एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. तो इन सभी तरह के एनिमल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी विल लर्न द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट द वर्ड मीनिंग ऑफ अवर चैप्टर 4, एनिमल्स अराउंड अस. सो स्टूडेंट्स, these are the word meaning of our lesson 4. Okay, our word meanings are divided into 3 parts. Okay, words, pronunciation and meanings. आपको अपनी कॉपी में भी इसी तरह से इन्हें नोट डाउन करना है. ओके, इसी तरह से 3 पार्ट्स में आपको इन्हें लिखना है और बीच में जब भी आप इन्हें लिखें तो लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, हमारा फर्स्ट वर्ड मीनिंग है एनिमल्स. एनिमल्स का मतलब होता है जानवर. ओके, नाउ सेकंड वर्ड है हमारा माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी. ओके, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रॉलिंग. क्रॉलिंग मतलब होता है रेंगना या फिर घिस घिस कर चलना. जो जानवर ज़मीन पर रेंगते हुए चलते हैं उन्हें क्रॉलिंग एनिमल्स कहते हैं. ओके, और घिस कर चलने को क्या कहते हैं, क्रॉलिंग कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोमेस्टिक. डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स का मतलब होता है पालतू जानवर या घरेलू जानवर. ओके, डोमेस्टिक एनिमल्स का मतलब ये होता है कि वो जानवर जिनको हम पालते तो हैं पर उसके साथ साथ वो एनिमल्स क्या करते हैं, हमारी बहुत सारे कामों में मदद करते हैं और हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं. वो हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें उनसे प्राप्त होती हैं, तो उन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है. ओके, इंसेक्ट. इंसेक्ट का मतलब होता है कीट या कीड़े. जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जिनके 6 लेग होते हैं, 6 पैर होते हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है, इंसेक्ट कहा जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेदर. फेदर मतलब होता है पंख. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ कंपेनियन. कंपेनियन का मतलब होता है साथी. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उपकरण. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ टाइनी. टाइनी का मतलब होता है छोटे. ओके, जो स्मॉल होते हैं उन्हीं को, स्मॉल से भी ज़्यादा जो छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइनी कहते हैं. ओके, तो दीज आर द वर्ड मीनिंग ऑफ अवर चैप्टर 4, एनिमल्स अराउंड अस. ओके, ये हमारे चैप्टर 4 के वर्ड मीनिंग हैं. So students, this is our chapter 4, animals around us. Okay, now we will start our reading section. Like humans, animals are also living things. They move, breathe and do many other things like we do. There are different types of animals. They have different sides, habits and features. ओके, हम लोगों की तरह ही जानवर भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं. लाइक अस, लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. हम लोगों की तरह ही क्या होता है, जैसे इंसान होते हैं उन्हीं की तरह जानवर भी क्या होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं. दे मूव, ब्रीथ एंड डू मैनी अदर थिंग्स लाइक वी डू. जो जानवर होते हैं वो भी क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सांस लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो कि हम करते हैं. मतलब कि एनिमल्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, हम लोगों की तरह ही क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते फिरते हैं, सांस लेते हैं. तो वही सब चीज़ें जो हम करते हैं वो भी क्या करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं. ओके, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स.
यहाँ पर क्या है, बहुत सारे तरह के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। दे हैव डिफरेंट साइज, हैबिट्स एंड फीचर्स। और जो एनिमल्स होते हैं उनकी क्या होती है, अलग अलग साइज़ होती है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं। उनकी जो हैबिट्स होती हैं वो सब जो होते हैं, कुछ सबकी हैबिट्स अलग होती है, और कुछ जो फीचर्स होते हैं, उनकी जो विशेषताएँ होती हैं वो भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। मतलब जो जैसे हम सब इंसान एक दूसरे से अलग होते हैं, वैसे ही जानवर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर एनिमल्स के टाइप्स बताए हुए हैं हमें, ठीक है, कि एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिग एनिमल्स, वो जानवर जो बड़े होते हैं, ठीक है। एनिमल्स सच एज एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, जिराफ, बियर, लॉयन एक्सेट्रा आर बिग इन साइज। ये जो एनिमल्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, लाइक एलिफेंट हो गया, हाथी हो गया, हिप्पोपोटामस हो गया, जिराफ हो गया, बियर मतलब भालू हो गया, लॉयन हो गया, तो ये सारे एनिमल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं। ये सब एनिमल्स क्या कहलाते हैं, बिग एनिमल्स कहलाते हैं। मतलब कि ये जो साइज़ होती है इन एनिमल्स की वो क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। ओके, नाउ स्मॉल एनिमल्स। स्मॉल एनिमल्स आर स्मॉल लाइक रैबिट्स, माउस, हैन, टॉर्टोइस, स्क्वारल, केट एक्सेट्रा। सम एनिमल्स आर टीनी सच एज ants, caterpillar, etc. and some are so small like bacteria and virus, etc. that we cannot see them without naked eyes. We need a special instrument called a microscope to see them. ओके, यहाँ पर आपको स्मॉल एनिमल्स के बारे में बताया है। स्मॉल एनिमल्स दैट मीन्स कि वो एनिमल्स जो साइज में छोटे होते हैं। सो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्मॉल एनिमल्स कहा जाता है। जैसे कि खरगोश हो गया, चूहा हो गया, मुर्गी हो गई, कछुआ है, गिलहरी है, बिल्ली है, तो ये सब जो जानवर होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, स्मॉल एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। कुछ और जानवर भी होते हैं जो क्या होते हैं, इनसे भी साइज़ में और ज़्यादा छोटे होते हैं, जैसे कि आंट है, कैटरपिलर है, तो जैसे हम क्या कहते हैं, चींटी कहते हैं, इसे हम कैटरपिलर कहते हैं, जिसको हम इल्लड़ कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये जो जानवर होते हैं ये क्या कहलाते हैं, टाइनी एनिमल्स कहलाते हैं, और ज़्यादा छोटे एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। एंड सम आर सो स्मॉल लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस एक्सेट्रा। और ये कुछ और जानवर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो और ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, जिनको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट सी देम विथ आवर नेक्ड आइज। जो कि हम इस तरह के जो जानवर होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, अपनी जो साधारण आँखें हैं उनसे नहीं देख सकते हैं, हमारी जो नॉर्मल आइज है उनसे नहीं देख सकते हैं। वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। इस तरह के जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक स्पेशल उपकरण चाहिए होता है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, जिसको क्या कहा जाता है, माइक्रोस्कोप कहा जाता है। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम वो सूक्ष्म जीवाणु और कीटाणु देख सकते हैं, जिनको हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्मॉल एनिमल्स के बारे में आपको बताया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा क्रॉलिंग एनिमल्स। ओके, क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना या घिस घिस कर चलना। वो एनिमल्स जो कि ज़मीन पर रेंगते हुए चलते हैं उन्हें क्रॉलिंग एनिमल्स कहते हैं। ओके, सम एनिमल्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड सच एज स्नेक्स, अर्थवॉर्म्स, स्नेल एक्सेट्रा। कुछ जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन पर घिस घिस कर चलते हैं, मतलब कि ज़मीन पर रेंगते हुए चलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्रॉलिंग एनिमल्स कहा जाता है। जैसे कि स्नेक्स, जो सांप है वो क्या करता है, ज़मीन पर रेंगते हुए चलता है। अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म जिनको कि हम क्या कहते हैं, केंचुआ
कहते हैं. ओके एंड देन स्नेल, स्नेल जो इस तरह का दिखाई देता है जिसको हम क्या कहते हैं, घोंगा कहते हैं. तो ये जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन पर रेंगकर चलते हैं. ओके तो इन्हें क्या कहा जाता है, क्रॉलिंग एनिमल्स कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स का मतलब होता है जंगली जानवर. सम एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. वी कैन ऑल्सो सी वाइल्ड एनिमल्स इन जू. वाइल्ड एनिमल्स लिव अ फ्री लाइफ एंड हंट अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. सम वाइल्ड एनिमल्स आर वेरी डेंजरस दैट दे कैन किल एंड ईट ह्यूमन बींग्स. फॉलोइंग आर सम वाइल्ड एनिमल्स. ओके जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जंगलों में रहते हैं. सम वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, जो जंगली जानवर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं. ठीक है, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, और उन्हें क्या कहा जाता है, जंगली जानवर कहा जाता है. वी कैन ऑल्सो सी वाइल्ड एनिमल्स इन जू, और कुछ जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कहाँ देख सकते हैं, जू में देख सकते हैं. जू मतलब होता है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में उन वाइल्ड एनिमल्स को देखा जा सकता है. वाइल्ड एनिमल्स लिव अ फ्री लाइफ एंड हंट अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. जो जंगली जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी फ्री लाइफ जीते हैं, मतलब कि वो किसी भी तरह से बंद कर नहीं जीते हैं, वो किसी भी तरह से पिंजरे में नहीं रहते हैं, वो अपनी लाइफ क्या करते हैं, फ्री होकर जीते हैं. एंड हंट अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, और जब भी उनको भूख लगती है तो वो क्या करते हैं, अपने खाने के लिए क्या करते हैं, दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं. सम वाइल्ड एनिमल्स आर वेरी डेंजरस दैट दे कैन किल एनी ईट एंड ईट ह्यूमन बींग्स. और जो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें भी मार कर खा सकते हैं. ओके फॉलोइंग आर सम वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ पर हमें कुछ वाइल्ड एनिमल्स दिए हुए हैं. ओके टाइगर, लायन, जैकल, लियोपर्ड, गोरिल्ला. ओके ये जो यहाँ पर हमें कुछ जानवर दिए हुए हैं, जैसे कि चीता है, शेर है, भेड़िया है, और तेंदुआ है, गोरिल्ला है, तो ये सब जानवर जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक एनिमल्स. वो एनिमल्स जो कि क्या होते हैं, घरेलू जानवर होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, अपने घरों में पालते हैं. ओके सम एनिमल्स आर केप्ट आइदर इन फॉर्म और एट होम. दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. दे डिपेंड ऑन ह्यूमन बींग्स फॉर फूड एंड शेल्टर. ह्यूमंस यूज देम फॉर देयर लिविंग एंड गेट मैनी यूजफुल थिंग्स फ्रॉम देम. शीप गिव अस वूल. We get milk from cow and buffaloes. Oxen help us to plug the field. Donkey, horse, camel, etc. are used to carry goods from one place to another. Okay, ये जो domestic animals होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बहुत सारे कामों में मदद करते हैं. Some animals are kept either in farm or at home. जो कुछ जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, खेतों पर रखे जाते हैं या फिर उनको घरों में रखा जाता है. They are called domestic animals. उन्हें क्या कहा जाता है, पालतू जानवर कहा जाता है. They depend on human being for food and shelter. इस तरह के जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, इंसानों पर डिपेंड करते हैं, किस चीज़ के लिए, उनके खाने के लिए और उनके रहने के लिए. ठीक है, उनको रहने की जगह और खाना दोनों के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, ह्यूमन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, इंसानों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. ह्यूमंस यूज़
them for their living and get many useful things from them. Okay, इंसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, जीने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं और उनसे क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं. मतलब ये जो पालतू जानवर होते हैं इनसे हमें क्या मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. शीप्स गिव अस वूल, जो भेड़ होती है उससे हमें क्या मिलता है, वूल मिलती है, मतलब ऊन मिलती है. वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ एंड बफेलोस, जो गाय और भैंस होती है उनसे हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है. ऑक्सन हेल्प अस टू प्लॉग द फील्ड, और जो बैल होता है वो हमारी किस में हेल्प करते हैं, हमारे खेत को जोतने में हमारी मदद करते हैं. डंकी डोंकी हॉर्स कैमल एक्सेट्रा आर यूज टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, और जो गधा होता है घोड़ा होता है और जो ऊँट होता है वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को लाने और ले जाने में हमारी मदद करते हैं. तो इस तरह से ये जो जानवर होते हैं इन्हें हम क्या करते हैं, पालते भी हैं और हमारे काम के लिए हम इन्हें इस्तेमाल भी करते हैं. ठीक है, ये हमारी मदद भी करते हैं हमारे कामों को आसान बनाने में, और इन्हें इनसे हमें क्या मिलता है, बहुत सारी चीज़ें भी प्राप्त होती हैं. ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है. ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं इनको हम पालतू पशु और घरेलू पशु दोनों ही कहते हैं. ओके, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं और ये हमारी बहुत सारे कामों में मदद करते हैं, इसलिए इनको डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है. ओके, क्योंकि ये हमारे घर के कामों में और हमारी डेली लाइफ के कामों में हमारी बहुत सारी मदद करते हैं, तो इसलिए इन जो जानवर होते हैं इनको क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स का मतलब होता है पालतू पशु. अब ये वाले जो एनिमल्स होते हैं ये हमारे पालतू पशु होते हैं. ओके, जिनको हम क्या करते हैं, घर में पाल के रखते हैं. सम एनिमल्स लिव विथ अस इन अवर होम्स एज अवर फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस, दे आर कॉल्ड पेट्स. सम ऑफ द पेट एनिमल्स आर डॉग कैट रैबिट फिश. ओके, कुछ जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे घर में हमारे दोस्त की तरह और हमारे साथी की तरह रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेट्स कहते हैं, पालतू जानवर कहते हैं. सम ऑफ द पेट एनिमल्स आर, और कुछ पेट एनिमल्स इस तरह हैं, डॉग है, कैट है, रैबिट है, फिश है. तो हमने देखा है बहुत सारी जगह पर कि घर में क्या किया जाता है, कुत्ते बिल्ली खरगोश या फिर मछलियों को इनको पाला जाता है. ठीक है, ये हमारे घर में हमारी किसी तरह की हेल्प नहीं करते हैं, बट हम इनको क्या करते हैं, घर के अंदर रखते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, पेट एनिमल्स कहा जाता है. और डोमेस्टिक एनिमल्स में यही डिफरेंस होता है, उनको भी हम पालतू जानवर कहते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, हमारी घरेलू कामकाज में मदद भी करते हैं और उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें भी प्राप्त होती है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है. ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है, पेट एनिमल्स कहा जाता है. ठीक है, तो पेट एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स में आपको डिफरेंस पता चल गया, कहा उन्हें भी पालतू जानवर ही कहा जाता है, उन्हें पालतू जानवर और घरेलू जानवर दोनों चीज़ कही जाती है, और ये चीज़ जो होते हैं वो सिर्फ पालतू जानवर कहे जाते हैं. ओके, तो ये आपका जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो ये है. ओके, नाउ ये आपका एक्टिविटी पार्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है. डू यू हैव एनी पेट इन योर होम? इफ यस देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इफ नॉट देन इमेजिन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है? अगर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है इन क्वेश्चंस के, और अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि आपके घर में कोई पालतू जानवर है और देन उसको उसके आंसर आपको यहाँ पर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर पेट? आपके घर में जो पालतू जानवर है उसका नाम क्या है? तो आप यहाँ पर आपके घर पर जो भी पालतू जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है या फिर मछली है, गाय भैंस है, जो भी है, तो उनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं.
ठीक है, आपने अगर उनका कोई नाम रख रखा है अपने घर पे तो आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज योर पेट। ओके, किस तरह का जानवर जो है वो आपका पालतू जानवर है, मतलब कि आपका जो पालतू जानवर है वो कौन सा है। आपको अपने पालतू जानवर का नाम लिखना है, दैट मीन्स कि वो डॉग है, कैट है, रैबिट है, काउ है, बफेलो है, या फिर शीप है, हॉर्स है, क्या है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है कि वो किस तरह का जानवर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ योर पेट। और आपके घर पर जो पालतू जानवर है उसकी क्या क्वालिटी है, उसके अंदर क्या विशेषताएं हैं, उसके अंदर क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आपका एक्टिविटी पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। ओके, आपको आपके पेट का यहाँ पर नाम लिख देना है, जो भी आपके घर पर आपका पालतू जानवर है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, वो किस तरह का जानवर है वो आपको यहाँ पर लिखना है, और उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, मतलब क्या क्या अच्छाइयाँ हैं या कुछ बुराई है, तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो लिखना है, तो ये आपका एक्टिविटी पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, और ये जो चैप्टर है हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गॉट अंडरस्टैंड दिस रीडिंग सेक्शन ऑफ अवर चैप्टर 4। नाउ योर होमवर्क इज़ दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी पार्ट इन योर बुक। ओके, ये जो एक्टिविटी पार्ट है इसको आपको क्या करना है, अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है, यही आपका होमवर्क रहेगा। ओके, सो ये जो एक्टिविटी पार्ट है इसको आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है, और इसे कंप्लीट करने के लिए आप अपने घर पर अपने किसी भी बड़े की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने ब्रदर सिस्टर या अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू।